हाय गाइस, मेरा नाम है चिराग। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकॉन D7000 एक सेमी प्रोफेशनल DSLR कैमरा के बारे में। जनरली तीन टाइप्स के DSLR कैमरा होते हैं, एक एंट्री लेवल, एक सेमी प्रोफेशनल और एक प्रोफेशनल। और ये जो स्पेसिफिक मॉडल है निकॉन D7000, ये 2010 में दिसंबर में लॉन्च हुआ था। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमको 16.2 मेगापिक्सल का एक सीमोस सेंसर मिलता है जो कि एक क्रॉप सेंसर है। ऑटो फोकस पॉइंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 39 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप फुल ऑटो फोकस को यूज करते हो, या फिर आपको 11 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। ISO रेंज भी इसकी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे हमको 100 से 6400 तक की ISO रेंज मिलती है जो कि 2010 के कैमरा के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो आप उसको बूस्ट करके 25600 तक ले जा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी ISO रेंज होती है। यहाँ पे हमको डुअल कार्ड स्लॉट का भी फीचर मिलता है। जनरली डुअल कार्ड स्लॉट एक प्रोफेशनल कैमरा में अवेलेबल होता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपका एक मेमोरी कार्ड गलती से करप्ट हो जाता है तो दूसरे मेमोरी कार्ड में आपका जो डेटा है वो सारा सेव होगा, या फिर आप उसको दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हो कि आप बहुत ज्यादा लंबा शूट कर रहे हो और आपका एक मेमोरी कार्ड ऑन द शूट फिल हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे मेमोरी कार्ड में आपका जो डेटा है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमको 3 इंच की LCD स्क्रीन मिलती है जो कि डिसेंट है, ठीक ठीक क्वालिटी की आपको स्क्रीन मिलती है। अपन देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा पुराना ये DSLR कैमरा है, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी स्क्रीन है। और यहाँ पे जो शूटिंग है वो 6 FPS तक ये शूट कर सकता है। इस कैमरा की अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पे हमको वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलता है और जो इसकी LCD स्क्रीन है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर कोई भी D90 कैमरा को यूज कर रखा है या D60 को यूज कर रखा है तो उसकी LCD स्क्रीन आपने देखी होगी, तो वहां से इस कैमरा में हमको एक अच्छा ज्यादा एक अपग्रेड देखने को मिलता है स्क्रीन में। और यहाँ पे आप AFD लेंसेज को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो लाइव व्यू का जो फीचर है वो भी बहुत अच्छा है। जो इसके ISO बटन है जिससे कि आप इसकी जो ISO रेंज को चेंज कर सकते हो, वो थोड़ा सा इसकी जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी गलत है, लेकिन फिर भी आप जब इसको यूज करने लगते हो तो आप यूज टू हो जाओगे, आपको उसकी आदत हो जाएगी। और अगर इस कैमरा की जो कुछ बुरी बात है वो मुझे ये लगी कि जब आप इसके अपर्चर या फिर शटर स्पीड को चेंज करते हो तो लाइव व्यू में वो जो सेटिंग्स है वो विजिबल नहीं होती है। मतलब आप सोचते हो कि आपने कुछ सेटिंग करी है और लाइव व्यू में अगर आप उस सेटिंग्स को देखना चाहते हो तो वो डिफरेंट होगी। लाइव व्यू जनरली जैसे जो नॉर्मल कंडीशंस पे लाइव व्यू दिखता है वैसे ही आपको लाइव व्यू शो होता है। बाकी अगर अपन दूसरे कैमरा से कंपेयर करें तो लाइव व्यू में ये जो फीचर है वो बाकी सारे कैमराज में अवेलेबल होता है। और एक और बेकार बात ये लगी कि यहाँ पे हमको कंटिन्यूस ऑटो फोकस नहीं मिलता है वीडियो शूटिंग के टाइम पे। हमको यहाँ पे वीडियो शूटिंग तो मिल रही है लेकिन जब आप स्टैटिक वीडियो शूट करोगे तो आपकी वीडियो ठीक ठाक आ जाएगी, लेकिन जब आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स को शूट कर रहे हो तो वहां पे बार बार फोकस जो ये लूज कर देता है या फिर जो फोकस है वो उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस अच्छा से नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर मिल रहा है वो ही बहुत है। ओवरऑल अगर आप इस कैमरा को परचेज करने का सोच रहे हो तो आप इसमें ट्राई करो कि आप कुछ अच्छे लेंसेज को प्रिफर करो, क्योंकि जनरली जो 1855 का जो किट लेंस होता है उससे आप इस कैमरा का ट्रू पोटेंशियल यूज या कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करना कि अच्छे लेंसेज आप यूज करो। और करंटली हम जो यहाँ पे लेंसेज यूज कर रहे हैं वो है 18 से 200mm का एक जूम लेंस और एक है 50mm का एक प्राइम लेंस जो कि बहुत ही अच्छे लेंस होते हैं। आप बहुत सारे दूसरे लेंसेज भी अवेलेबल हैं तो उनको आप ट्राई करो। और अब फाइनली बात करते हैं कि क्या ये 2022 में एक वर्थ इट कैमरा होगा, क्या आप इसको अभी भी परचेज कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हो अगर आप पहला अपना एक DSLR परचेस करने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी जो एंट्री लेवल जो DSLRs आते हैं उसमें नहीं मिलते हैं। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड है, वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हमको एक एडिशनल डिस्प्ले भी मिलता है जिसमें आप जो भी सेटिंग्स करते हो मैनुअली वो सारी शो होती है, तो वो एक और प्लस पॉइंट होता है इस कैमरा का। बाकी जो एंट्री लेवल DSLRs आते हैं उसमें ये हमको फीचर नहीं मिलता है। और अभी भी अगर आप इसको ट्राई करोगे तो कुछ आउटलेट्स पे इसकी जो बॉडी है वो अभी भी न्यू कंडीशन में आपको अराउंड 30-35,000 रुपीज में मिल जाएगी। और अगर आप चाहो कि इसको आप प्री यूज्ड या प्री ओन्ड कैमरा परचेस करना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल सकता है अराउंड 20-25,000 रुपीज में, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छी डील होगी आपके लिए।
और एक और पर्सनली मुझे इस कैमरा की अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा फोकस मिलता है, फटाफट से इतने प्यारे और बहुत ही अच्छे आप फोटोज को क्लिक कर पाओगे। मैं कुछ फोटो सैंपल्स भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में, तो उसको भी आप डेफिनेटली देखना। उन फोटोज में मैंने बहुत ही कम एडिटिंग करी है और ट्राई करा है कि जैसे फोटोज इसने कैमरा ने क्लिक करे वैसे ही मैंने आपको शो करे। सो गाइस यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या आपको निकॉन D7000 अभी भी 2022 में परचेज करना चाहिए, या कोई सोच रहा है तो उसको ये परचेज क्यों करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको डेफिनेटली लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।